हेलो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम करेंगे स्टोर ग्रेन पेस्ट विच इज़ ट्राइबोलियम कास्टनियम एंड राइजोपरथा डोमिनिका एंड लेट्स स्टार्ट विद द रस्ट रेड फ्लोर बीटल विच इज़ बिलोंग टू फाइलम अर्थ्रोपोडा क्लास इंसेक्टा ऑर्डर कोलेप्टेरा एंड फैमिली टैनी इट इज कॉस्मोपोलिटिन इन डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रजेंट इन 85% of all the flour mills its host are rice wheat flour and flour of the other grains generally it is appeared as reddish brown having length of 3 to 3.5 mm and its total lifespan of adult is 540 days life cycle completed in 42 days in August and September, and in winters, it is much long. Its life cycle includes egg, grub, pupa, and adult. Here is the representation of life cycle start karenge from the egg, which is white, cylindrical in color and shape. One female. कैन ले एग इन फ्लोर आफ्टर द इंक्यूबेशन पीरियड विच इज़ फोर टू ट्वेल्व डेज एग हैज एंड सिलेंड्रिकल स्मॉल सेगमेंटेड लार्वा कम्स आउट विच इज़ नॉन एज ग्रब लार्वा हैविंग हेयर ऑन देयर बॉडी ये जो लार्वा है ग्रो करेगा फोर इलेवन टू सिक्सटीन डेज़ ऑन दी व्हीट ब्रांड फुली ग्रोन ग्रब का जो साइज़ है वो होगा फाइव फोर पॉइंट सिक्स एम एम लोंग और इसका जो कलर होगा पेल येलो होगा लार्वल पीरियड रहेगा ट्वेंटी एट टू नाइन्टीज डेज तक आफ्टर ट्वेंटी एट टू नाइन्टीज डेज़ ये जो ग्रब है कन्वर्ट होगा इन टू द्यूपा आफ्टर प्योपेशन ये सरफेस ऑफ़ फ्लोर पे रहेगा इनिशियली प्यूपा वाइट कलर का होता है बट लेटर ऑन इट टर्नस इंटू यलोइ कलर ये जो स्टेज है वो रहेगी फॉर सिक्स टू नाइन डेज़ आफ्टर सिक्स टू नाइन डेज प्यूपेशन कि ब्रेकडाउन होगी प्यूपा ब्रेक करेगा और उसमें से एक रेडिश ब्राउन एडल्ट बाहर निकलेगा जिसकी लाइफ स्पेन फाइव फोर्टी डेज की होती है एंड जिसकी लेंथ थ्री टू तो थ्री पॉइंट फाइव एम होगी ये जो एडल्ट है हिबरनेट करता है इन विंटर्स कंप्लीट लाइफ साइकिल फोर्टी टू डेज़ की है इन मंथ ऑफ अगस्त एंड सेप्टेम्बर एंड प्रोलॉन्ग इन विंटर्स डैमेज इन कंट्रोल के अंदर जो डैमेज है वो कॉज करता है ग्रब ग्रब डैमेज करेगा फ्लोर एंड ग्रेन्स को फ्लोर का कलर चेंज हो जाएगा इनटू टू ग्रेइस और अनफिट होगा फॉर द कन्जपशन एडल्ट आल्सो डैमेज ग्रेन एंड क्वालिटी ऑफ फ्लोर इसको कंट्रोल करने के लिए फ्लोर मिल्स को क्लीन रखना चाहिए जो इन्फेस्टेड पार्ट है फ्लोर का आटे का उसको रिमूव कर देना चाहिए हटा देना चाहिए एडल्ट और दूसरी स्टेजेस है जो लाइफ साइकिल की उनको मैनुअली रिमूव करके डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए नेक्स्ट जो पेस्ट है वो है लेसर ग्रेन बोरर या फिर जिसे सुरसुरी भी कहा जाता है बिलोंग करेगी फाइलम अर्थ्रोपोडा इंसेक्टा ओडर कोलेप्टारा एंड फैमिली बोस्ट्री चाइडी डिस्ट्रीब्यूशन वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है इन ऑल ओवर द इंडिया होस्ट प्लांट या होस्ट है वीट राइस मेज बार्ले ड्राई फ्रूट्स एक्सेट्रा जनरली एडल्ट ब्राउनिश ब्लैक कलर का दिखाई देता है और इसका हेड ग्लोबलर होगा लेंथ होगी वन पॉइंट फाइव एम एम इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है ट्वेंटी एट टू सेवेंटीन डेज नॉर्मली और एक साल में फाइव जनरेशन तक देखी जा सकती हैं इट्स लाइफ साइकिल इंक्लूड्स एग ग्रब ग्रूपर एंड हेयर इज द ग्राफिक इज़ द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ लेसर ग्रेन बोरर तो स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द एग फीमेल ग्रेन्स के अंदर एग ले करेगी और जो एग की शेप है वो पियर शेप होगा एक फीमेल थ्री हंड्रेड टू फाइव हंड्रेड एग ले कर सकती है इन हर लाइफ टाइम ग्रब ब्राउन कलर का होता है और फीड करता है ग्रेन्स के ऊपर जो फुली ग्रोन ग्रब होगा वो डर्टी वाइट कलर का होगा जिसका कि हेड लाइट ब्राउन और एबडोमन कर्व्ड होगा यहाँ आप इजिली देख सकते हैं इसका जो एबडोमन है वो कर्वड है थोड़ा सा और इसके अंदर फोर टू तो फाइव मोल्टिंग आती हैं और ये ग्रब की स्टेज जो है फोर्टी फाइव डेज के लिए रहती है आफ्टर फोर्टी फाइव डेज़ ये ग्रब कन्वर्ट हो जाएगा इन टू प्यूपा ग्रेन्स के अंदर ही प्यूपा बनेगा और ये स्टेज जो है फा सेवन टू एट डेज तक रहती है आफ्टर सेवन टू एट डेज़ जो ये प्यूपा है इसकी ब्रेकडाउन होगी और उसमें से एक अडल्ट बाहर निकलेगा जो कि वोरेशियस फीडर है वोरेशियस का मतलब होता है कि भुक्कड़ लगातार खाते रहेगा खाते रहेगा इसका कलर ब्राउनिश इस ब्लैक होता है और हेड जो है ग्लोबलर है इसकी लेंथ है वन पॉइंट फाइव एम एम कंप्लीट लाइफ साइकिल जो इसकी है ट्वेंटी एट टू सेवेंटी डेज़ में होती है और एक साल में फाइव जनरेशन देखने को मिलती है डैमेज कॉज करेगा एडल्ट और ग्रब दोनों ही वरिशिष फीडर हैं और ये ग्रेन्स को खाकर उनके ऊपर का जो टेस्टा या सरफेस होती है उसे छोड़ देते हैं कंट्रोल करने के लिए जो ग्रेन्स को स्टोर करना चाहिए वो कंप्लीट ड्राई कंडीशन होनी चाहिए जहाँ स्टोर करेंगे वहाँ भी और जिन ग्रेन्स को स्टोर करेंगे वो भी कम्प्लीटली ड्राई होने चाहिए जो इन्फेस्टेड ग्रेन है उसको रिमूव कर देना चाहिए ग्रेन शुड बी स्टोर्ड इन स्टरलाइज कंटेनर तो ऐसे कंटेनर्स यूज़ करना चाहिए जो स्टरलाइज्ड हैं ताकि उनके अंदर किसी तरह का मॉइस्चर ना हो और डैमेज होने का खतरा कम रहे सो so स्टूडेंट यहाँ पे हमारे जो स्टोर ग्रेन पेस्ट थे इस वीडियो के साथ वो कंप्लीट हो जाते हैं ये थर्ड वीडियो है ऑन दिस स्टोर ग्रेन पेस्ट आई होप आपको डायग्राम की हेल्प से अच्छे से समझ में आया होगा थैंक यू